ये इश्यू इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे इस सेमिनार के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट एनी डिले, क्योंकि आगे टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है. अस्सलाम वालेकुम. टॉपिक जो है मुश्किल है बहुत और वक्त हमारे पास कम है. मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी समझ बूझ है इस मौजू के हवाले से वो मैं आपके सामने रखूं. लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, मैं कोई सियासत का उस्ताद नहीं. लिहाजा मेरी अपनी हदें हैं, मैं उनसे आगे नहीं जा सकता. और इस्लामी तारीख मैंने पढ़ी है लेकिन खिलाफत के मामलात मुझ पर अभी भी पूरी तरीके से आश्कारा नहीं हुए. लिहाजा मेरा इल्म वहां पर जम्हूरियत के मुकाबले में ज्यादा महदूद है. मेरे ख्याल में आप लोग बेहतर समझते हैं जिस इदारे से आप मुंसलिक हैं, जिस किस्म के असातज़ाए कराम. अगर ये या बंद कर दें तो मेरे लिए आसानी होगी, वरना मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा. वो आपको इन मामलात पर बेहतर समझा सकते हैं. लेकिन मौजू बहस के एतबार से भी अच्छा है और पाकिस्तान की जरूरत के एतबार से भी. हमें ये सोचना चाहिए कि आज इस मौजू को चुनने की जरूरत क्यों महसूस हुई. जरूरत इस वजह से महसूस हुई कि हम सब का ख्याल है कि हम रोशन मुस्तकबिल के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं. हमें जो दावे हमारे बड़ों ने हमसे किए थे, वादे किए थे, जो हमें सूरज दिखाया था कि कल तुलू होगा, वो नहीं तुलू हो पा रहा, तो हम परेशान हैं और हम राह तलाश कर रहे हैं. हमारा ख्याल है कि निजाम के अंदर खराबी है जिसकी वजह से शायद हमारा मुस्तकबिल हमें तारीख नजर आ रहा है. तो वो जो सवाल है इस सेमिनार के अंदर पहना वो ये है कि जमहूरियत, जो मैं समझा हूं कि जमहूरियत के जरिए हम राह बेहतर तलाश कर सकते हैं या निजाम तब्दील करके खिलाफत की तरफ अगर हम मायल हों तो हमारे जुमला मामलात अहम तरीन मामलात के साथ तय हो पाए. मेरा बुनियादी मफरूजा यह है कि कोई भी निजाम अपने तई तमाम मसाइल का हल फिलफौर नहीं देता. कोई भी निजाम आपके लिए उस तरह हतमी नहीं है जिस तरह हम समझते हैं कि आप उसका सफा नंबर फला फला निकालें तो उसके ऊपर मसला नंबर फला फला का हल उस तरह तजवीज किया होगा जिस तरह हमें समझ भी आए. तो यह मेरा बुनियादी मफरूजा है. यानी निजाम की खराबी को हमें अलहदा करना चाहिए निजाम की इम्प्लीमेंटेशन की खराबी से. अगर हमारा किरदार मिन हैसुल मुसलमान कौम अगर देखा जाए और उसको अगर खुदा ना खास्ता मयार बना लिया जाए इस्लाम को परखने का, तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम की कुछ ज्यादा तारीफ नहीं होगी, क्योंकि हम बेहतर मुसलमान बन नहीं पाए. तो ये कोई वजह नहीं है कि इस्लाम के ऊपर तनकीद हो. आजकल जो इस्लाम के नक्काद हैं बदकिस्मती से वो यही तरीका अपनाए हुए हैं कि मुसलमानों के रवैयों को, मुसलमानों की कमजोरियों को, मुसलमानों की रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो खराबियां हैं उनको, चाहे वो तोल के अंदर झोल हो, चाहे वो सच के अंदर झूठ की आमेजश हो या कुछ भी हो, उसको बुनियाद बनाकर वो तमाम हमारा मजहब, जो हमारा दीन है, जो हमारा जाब्ता हयात है, उसके ऊपर अंगुश्त नुमाई करते हैं. लेकिन ये गलत मेथोडोलॉजी है, क्योंकि हम जैसे हैं उसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, असल कसूर हम में है. तो जमहूरियत के ऊपर जब हम बहस करते हैं तो ये मेरी नाकस राय में हमें समझना चाहिए कि आया जमहूरियत को हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तख्ता मश्क बना रहे हैं, या जो जमहूरियत के नाम निहाद नुमाइंदगान हैं उनको हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं. और दोनों में फर्क है, सर मैंने इस्लाम के हवाले से बयान किया.
जमहूरियत की खसूसियात या उसकी हदूद बयान करने में वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन मैं अमूमी बात करूंगा। जो नया मुआशरा है उसके अंदर तफरीक भी बहुत है, उसके अंदर फर्क भी बहुत है, उसके अंदर लोगों की समझ बूझ और उनकी अचीवमेंट के अंदर भी दर्जाबंदी है, और लोगों के मजहबी जो मामलात हैं उसके अंदर भी बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं नए जमाने की बात करता हूं तो उससे मुराद ये नहीं है कि कोई आसमान का रंग तब्दील हो गया है या जमीन जो है वो उसका हजम कम हो गया है या बढ़ गया है। नए जमाने से मुराद ये है कि हम अपने इलाके की हदूद व कयूद के अंदर हमेशा आबाद नहीं रहते। आजकल हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ा बहाव है इंसानों का, जो हमारी जिंदगियों को तिजारत के जरिए, मुलाकात के जरिए और सफर के जरिए तब्दील कर रहा है। तो हम एक गांव में आबाद नहीं हैं जिसकी हदें ही हमारी आखिरी हदें हैं, हम एक ऐसे गांव में आबाद हैं जिसकी हदें तमाम तर ग्लोब तक फैली हुई हैं। इसके अंदर हम अपने घर की दीवार को ऊंचा करके चुपके से अपने तरीके और रिवायत और रिवाज के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, अगर हम चाहें भी। तो आपको आला तालीम के हसूल के लिए बाहर जाना है, आपके जो अहम तरीन फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने बाहर से डिग्रीज ली हुई हैं, उनको सफर करना है, रिज्क के हसूल के लिए आपको बाहर जाना है, मौके की तलाश के लिए आपको बाहर जाना है। बाहर जाने से मुराद ये नहीं है पाकिस्तान से बाहर जाना है, शहर छोड़ के आप दूसरे इलाके में जाते हैं, वहां का रहन सहन मुख्तलिफ होता है। जो वजीरिस्तान से दोस्त आए होंगे उनको इस्लामाबाद के तौर तरीके अजीब लगेंगे, जो इस्लामाबाद से दोस्त कराची जाएंगे उनके लिए माहौल मुख्तलिफ होगा। तो ये जो आवत जावत है इसने मजबूरी ये पैदा कर दी है कि आप अपनी सकाफत को अपनी पोटली के अंदर बांधकर दूसरी जगह पर ले जाकर वहां पर उसको उसकी नमूदो नुमाइश नहीं कर सकते। आपको जिन हालात का सामना है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। अगर आप नहीं ढालेंगे तो उससे फ्रिक्शन होगी, उससे तजाद पैदा होगा, उससे झगड़ा होगा। उस फ्रिक्शन को, उस तजाद को, उस झगड़े को मैनेज करने के लिए आपको ऐसा निजाम मुरतब करना होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ रंग के लोग, मुख्तलिफ मजाहब के लोग, मुख्तलिफ रवायात के लोग अपनी अपनी रिवायत मजहब और रंग का तहफ्फुज करते हुए दूसरे की रिवायत मजहब और रंग की इज्जत करते हुए एग्जिस्ट कर पाए। अगर आप नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे तो आपका हमेशा झगड़ा चलता रहेगा। आप हॉस्टल के एक कमरे में दो अफराद मुख्तलिफ कल्चर के नहीं समा पाएंगे, वहां से झगड़ा शुरू होगा और झगड़ा जो है मोहल्ले में फैलेगा, मोहल्ले से शहरों में फैलेगा, छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे जो सकाफती मरकज है वो बन जाएंगे, निजाम आप नहीं चला पाएंगे। जो नुक्ता मैं डेवलप कर रहा हूं कि जमहूरियत की जो असास है वो ये है कि आप फर्क के बावजूद को एग्जिस्ट कर पाए, और ये नए जमाने की जरूरत है। हमें पसंद है या नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन जो जरूरत है वो ये कि कोई ऐसा निजाम मुरतब हो कि फर्क तफरीक की बुनियाद ना बने, और इख्तलाफ जो है वो झगड़े की बुनियाद ना बने। उस फ्रिक्शन को मैनेज करने के लिए आपके पास कोई ना कोई निजाम ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम रंग रिफ्लेक्ट करें। तो जमहूरियत का एक तो मकसद जो मुझे समझ आया वो ये है। दूसरा मकसद ये है कि आप के पास हकूक जो हैं वो उस बुनियाद पर हो जो सब पर लागू होती है। अब बैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारी जिंदगी की असास है कि हमारा दीन हतमी और आखिरी और मुकम्मल और जामे है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारी हमारी जिंदगी इसी से मुरतब है, इसी से बनी हुई है। लेकिन
तकरीबन 7 बिलियन में से हम सिर्फ 1.4 बिलियन है। हमारा अकीदा जामे है, मुकम्मल है, हमें उसमें झोल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ 1.4 बिलियन है और उसमें भी अरब, अजम और तुर्कमेन की तफरीक है हमारे यहां पे। और जो हमारे यहां पे फिकही डिसएग्रीमेंट है, इख्तलाफ है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो एक और ही मौजू है। तो अब मामला ये है कि अगर हमने दीन को बुनियाद बना लिया हकूक को डिटरमिन करने के लिए, तो जो लोग हमारा दीन नहीं रखते उनके हकूक हमारे दीन के तहत तो हासिल होंगे लेकिन उनकी ख्वाहिश के तहत हासिल नहीं होंगे। हमारे दीन के अंदर जो रास्ता तय्यन किया गया है गैर मुस्लिमों के हकूक के तहफ्फुज का, वो हमारे लिए मोतबर है, हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए शायद वो काबिले कबूल ना हो। ये वैसे ही है कि जैसे मुसलमान होने के नाते हम ऐसे निजाम में नहीं रहना चाहते जो हमारे हकूक की पामाली करे और हमारे मुसलमान होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने की राह में रुकावट हो। जो हमारा कंसर्न है हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में वो क्या है कि आयली कवानीन से लेकर अमूमी कवानीन तक उनको एक ऐसे निजाम के अंदर धकेला जा रहा है जहां पे हिंदुइज्म डोमिनेटेड है, वहां पे हिंदू मेजोरिटी में है, मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो अगर हिंदुइज्म को बुनियाद बना लिया जाए हिंदुस्तान के निजाम को तरतीब देने के लिए तो मुसलमान तो इंतहाई मुश्किल में होंगे ना, उनको तो वहां से हिजरत करनी पड़ेगी, जिंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ऐसा निजाम आपको बनाना है जिसके अंदर बुनियादी हकूक की बुनियाद मजहब के साथ साथ दीन के साथ साथ कोई और भी हो, जो मुख्तलिफुल मजाहिब लोगों को, मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को काबिले कबूल भी हो। जमहूरियत के अंदर थियोरेटिकली, प्रैक्टिस की बात नहीं करता, मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करता, वो मैंने गुजारिशात के पहले ही मैंने अलहदा कर दिया एक मौजू। थियोरेटिकली एक मैकेनिज्म मौजूद है जिसके जरिए बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ्फुज गारंटीड है उन कवानीन के तहत जो अमूमी तौर पर मजहब से नहीं बने होते, वो इंसान के बनाए हुए कवानीन है। इक्वेलिटी ऑफ राइट्स का जो मामला है वो इक्वेलिटी ऑफ रिलीजन के हवाले से नहीं बना हुआ, यानी आप मुसलमान हैं तो तभी आपको हकूक मिलेंगे, जमहूरियत भी ये नहीं है। आप किसी रियासत का हिस्सा हैं तो आपके हकूक गारंटीड हैं बिला तफरीक मजहब के। तो नए मुआशरे के अंदर जहां पर मुख्तलिफुल मजाहब लोग बसते हैं और मुख्तलिफ हदों के अंदर एक से ज्यादा नजरियात रखने वाले लोग बसते हैं, उनको एक जैसे हकूक कैसे फराहम किए जाए। वैसियत मुसलमान अगर आप हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके हकूक का गारंटर कौन होना चाहिए, एक ऐसा निजाम जिसकी बुनियाद हिंदुइज्म पर है या एक ऐसा निजाम जिसकी बुनियाद उन असूलों पर है जिनको हम आफाकी कहते हैं, दुनियावी सेंस में, मजहबी सेंस में नहीं, दुनियावी सेंस में कहते हैं आफाकी हैं कि वो हर किसी पर लागू होते हैं। आपके हकूक इस वजह से गारंटीड हैं कि आप एक रियासत का हिस्सा हैं, अगर इस वजह से गारंटीड हो सिर्फ कि आप एक खास मजहब के मानने वाले हैं तो फिर आपके हकूक का तहफ्फुज़ बहैसियत मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं हो सकता और बहैसियत हिंदू पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। मैं जानबूझ के आपको वो मिसालें दे रहा हूं जिनसे आप रिलेट कर पाए, मैं मिसालें बहुत सी देने का। तो दूसरा जो मामला है जिसकी वजह से जमहूरियत मेरे ख्याल में जरूरी है, ये खिलाफत के साथ ये अच्छे बुरे की बात नहीं मैं कह रहा, मैं बता रहा हूं कि जमहूरियत समझ आती है वो जरूरी है कि आपने अगर निजाम चलाना है तो तफरीक के बगैर, वो जमहूरियत के बगैर आप नहीं चला सकते। तीसरी बात जिसकी वजह से जमहूरियत जरूरी है वो ये कि इबादात और मामलात के अंदर
इस्लाम में तो उस तरह तफरीक नहीं है, यानी आप अगर खलीफा हैं तो आपको सबसे ज्यादा अहसन होने की भी जरूरत है। यू हैव टू बी द मोस्ट पायस टू बी द मोस्ट एलिजिबल टू बिकम द कैलिफ। अगर आप इबादात के अंदर आप कमजोर हैं तो मामलात के अंदर आप लोगों के ऊपर हुक्मरान नहीं बन सकते। लिहाजा जो पर्सनल पार्टी है, जाती और अल्लाह के साथ जो मामलात का ताल्लुक है, इट हैज टू बी पिक्चर परफेक्ट, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स, तभी आप खिलाफत खलीफा बनने के हकदार हो सकते। तो पार्टी जो है, नेकी जो है, वो आपकी परफॉर्मेंस का एक इंग्रेडिएंट बना दिया गया है। और मफरूजा यह है कि अगर आप नेक हैं तो आप अच्छा परफॉर्म भी करते होंगे, अगर आप नेक हैं तो आप बहादुर भी होंगे, अगर आप नेक हैं तो आप साले हैं तो आप अच्छे गवर्नर भी होंगे, अगर आपके अंदर खुदा खौफी है तो आप करप्ट भी नहीं होंगे, आप मामलात को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। ये मफरूजा है। जमहूरियत के अंदर ये तफरीक बड़ी वाजे है और इनको अलहदा अलहदा खानों में रखा हुआ है। आपके आपकी जो इबादात हैं वो आपका जाती मामला है। आप जाहिद हैं, आप साले हैं, आप खुदा के बड़े पसंदीदा हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप परफॉर्म भी कर पाएंगे। जमहूरियत के अंदर परफॉर्मेंस का मयार जो है वो महदूद है, वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ऑफ सर्विस है। अगर आप अमूमी मयार के ऊपर पूरा उतरते हैं, आप फातरुल अकल नहीं हैं, आप के खिलाफ कोई केसेस नहीं है, आपने लोगों का माल नहीं लूटा हुआ, थ्योरी की बात करो, प्रैक्टिस में ना जाइएगा, वहां पे हमारे मामला बिल्कुल ही खराब है, उलट है इसका, थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो अगर आप अमूमी मयार पर पूरा उतरते हैं और आप डिलीवर कर सकते हैं तो आप हक बजाने में आप नुमाइंदा बन सकते हैं इस दुनिया में, खुदावंद ताला के बिहाफ पर आप रूल कर सकते हैं, लेकिन वोट आपको लोगों का चाहिए, क्योंकि डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो लोगों तक पहुंचानी है। जो आपकी डिलीवरी ऑफ सर्विस है खुदावंद ताला तक जो पहुंचाना है वो मामला आपका अलहदा है। तो जमहूरियत के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी ऑफ सर्विस काउंट करती है, खिलाफत के अंदर दोनों डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो काउंट करती है। और मफरूजा ये है कि अगर आप पहली डिलीवरी ऑफ सर्विस कर रहे हैं, यानी अल्लाह के साथ मामलात आपके दुरुस्त हैं, तो आप यकीनन लोगों के मामलात भी दुरुस्त चला रहे होंगे। जमहूरियत इस पर यकीन नहीं करती, जमहूरियत कहती है जी कि आप लोगों के मामलात दुरुस्त कर दें तो ठीक है, उसके अलावा आप जाती जिंदगी में जो मर्जी करते फिरें, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। आपका जो पब्लिक अफेयर्स है उस पर आपकी जाती जिंदगी का असर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू। इसी वजह से जमहूरी मुआशरों में अमूमी तौर पर जो सदर है या वजीर आजम है उसके मजहब का खाना जो है वो रखा नहीं जाता। पाकिस्तान के अंदर है ऐसा, पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि हम जिसको मैं कहता हूं ट्वाइलाइट जोन के अंदर है, हम दोनों किश्तियों के सवार रहे हैं और दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश करते रहे हैं। मेरे ख्याल में एक हेल्दी डेवलपमेंट भी है, बहुत कम कौमें ऐसी हैं जो अपना दीन और दुनिया के मसाइल जो हैं उनको दोनों को इकट्ठा हल करने की कोशिश करें, अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहां पे कंडीशन है जेन्युइनली डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर मजहब के तौर पर आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जमहूरी तौर पर भी क्वालिफाई करें, जिससे मुराद ये है कि जो रूल कर जो आपको रूल कर सकता है, जो कॉम्पिटेंस का पूल है, वो आपका टेक्निकली ज्यादा बड़ा हो सकता है। आप सिर्फ इक्तदार के लिए हम मजहब की तलाश नहीं करते, इक्तदार के लिए आप हर ऐसे शख्स को क्वालिफाइड समझते हैं हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट इन मामलात, द मोस्ट कॉम्पिटेंट।
अगर आप गैर मुस्लिम हैं तब भी आप एक मुसलमान माशरे के अंदर जमहूरी तौर पर रूलर बन सकते हैं अंडर अ जेन्युइनली डेमोक्रेटिक सिस्टम। और रिवर्स द इक्वेशन, अगर आप मुसलमान हैं और एक नॉन प्रीडोमिनेंटली नॉन मुस्लिम रियासत के अंदर भी आप सरबराहे रियासत बन सकते हैं, खिलाफत में ये गुंजाइश नहीं है। गैर मुस्लिम खलीफा मुतय्यन नहीं हो सकता। और आखिरी फर्क जो मैं आऊं, बहुत सारे फर्क हैं लेकिन मैं डोमिनेट नहीं करना चाहता सारी प्रोसीडिंग्स को, मैं चाहता हूं कि इसके बाद बहस भी हो इस पर, वो ये है कि ये प्री पेड और पोस्ट पेड का मामला है। प्री सिलेक्टेड, हमारा ईमान है कि जो मोस्ट पायस्ट हैं दे आर द चोजन वंस दुनियावी सेंस के अंदर। असल में चोजन वंस तो वो हैं जो खुदावन ताला के अंबियाए कराम हैं, लेकिन दुनियावी सेंस के अंदर वो पहले से प्री डिटर्मिंड है, वो पहले से टिक मार्क्ड है, क्योंकि वो अल्लाह के ज्यादा करीब है। उसके बाद तो सिर्फ सिलेक्शन का प्रोसेस है कि किसको पहले आपने सिलेक्ट करना है और किसको बाद में आपने सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्ट उसी ग्रुप में से करना है क्योंकि अल्लाह के वो चोजन है। जमहूरियत इससे इत्तफाक नहीं करती। नो बडी इज प्री सिलेक्टेड टिल सच टाइम ही और शी प्रूव्स हर सेल्फ और हिम सेल्फ टू बी वर्दी ऑफ दिस सिलेक्शन थ्रू अ वोटिंग प्रोसेस। तो जो पूल है आपका वो बहुत बढ़ जाता है, जो डायवर्सिटी है उसके उससे ज्यादा मुताबकत रखता है। हो सकता है बाज जगह पर लोगों को करप्ट लोग सिलेक्ट करने का शौक हो, उनकी मजबूरी हो, चले हम इस तरह कह देते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो क्या वहां पर होना चाहिए, कितने साल में तब्दीली आएगी, एक अलहदा बहस है। इस दौरान जिसको हम कहते हैं ना, इस दौरान क्या करें, इस दौरान वही करें जो वो कर सकते हैं, यानी अपने दुनियावी मयार गैर मयारी मयार के मुताबिक उसको सिलेक्ट कर लें जमहूरियत में। खिलाफत के अंदर शायद ये मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, यू हैव टू बी वन अमंग द चोजन वंस टू बी सिलेक्टेड। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, तो आप उस मनसब पर फायज नहीं हो सकते। और आखिरी बात, जो कानून साजी है जमहूरियत के अंदर उस पर हद नहीं है, वो किसी भी सिमत के अंदर किसी भी वक्त मेजॉरिटी रूल के तहत जा सकती है। वो काले को गोरा और गोरे को काला मेजॉरिटी रूल के ऊपर डिक्लेयर कर सकती है, वो आईन को तब्दील कर सकती है, वो मुख्तलिफ कौमों को मुख्तलिफ रंग के और नजरियात के लोगों को ये मौका फराहम करती है कि वोट कास्ट करें और एक रियासत में से ऑप्ट आउट कर जाए। तो रियासत बनी हुई है, मेजॉरिटी को पसंद नहीं है, वोट कास्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने एक अलहदा रियासत बन जाना। वो इस बात की भी गुंजाइश रखती है, ये तमाम किताब रियासत का जो निजाम है कि अमेरिका की एक रियासत के अंदर कत्ल करने की पेनल्टी डेथ बाय हैंगिंग है, दूसरी रियासत के अंदर मौत की पेनल्टी है ही नहीं, क्योंकि दूसरी रियासत के लोगों ने कानून साजी की है कि हमें यहां पर मौत की पेनल्टी नहीं चाहिए। एक जगह पर आप अगर बाहर से आए हैं तो आपके हकूक यकसर मुख्तलिफ हैं, दूसरी जगह पर अगर आप बाहर से आए हैं अमरीका से बाहर से वारद हुए तो आपको रियासत में घुसने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो पब्लिक लॉ, कॉमर्स लॉ, प्राइवेट लॉ, ये इट इज ओपन टू कॉन्स्टेंट नॉट ओनली इंटरप्रिटेशन बट कंप्लीट एंड रेडिकल चेंज, कंप्लीट एंड रेडिकल चेंज। खिलाफत जो दीन और खुदावन ताला के हतमी कवानीन पर बुनियाद करती है, वो तशरी में एक खास हद से आगे नहीं जा सकती, यानी जहां पर इख्तलाफ की गुंजाइश इस हद तक है कि वो शरिया के बुनियादी असूलों
से टकरा ना जाए, उस हद तक आप इख्तलाफ है उससे आगे पर चलते हैं। जब जो शरिया की जो यूनिटी है उसको जो तशरी अंडरमाइन करे वो काबिल कबूल नहीं है, और इज्तहाद की भी हद है, वो ला महदूद नहीं है, वो फंडामेंट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कहती है ना जी कि पार्लियामेंट को हक है कि वो सुप्रीम है और सॉवरन है, लेकिन वो फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इज्तहाद ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे नजरिया तौहीद जो है उसके ऊपर सवाल उठे, वो गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरह के बीसियों और फंडामेंटल्स हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, तो लिहाजा उसकी जो जिसको मैं कहता हूं ग्लास सीलिंग वो बड़ी वाजे है। आपको ऊपर नजर तो आ रहा है, ग्लास सीलिंग से मुराद ये है आप देख रहे हैं छत से ऊपर, लेकिन उस ग्लास सीलिंग से ऊपर आप नहीं जा सकते। जमहूरियत के अंदर थ्योरेटिकली अगे गुंजाइश बहुत ज्यादा है, आप हर चीज की तशरीह कर सकते हैं, रेडिकली चेंज कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट अफ्रेश। दोनों में से कौन सा निजाम हमारे लिए बेहतर है, इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब खिलाफत के हवाले से ज्यादा बात होगी और आप अपना जहन लड़ाएंगे। लेकिन मैं तो जो कि सहाफी हूं, रोजमर्रा के अमूर से ज्यादा मेरी दिलचस्पी है, रिस्क भी उसी से वाबस्ता है, तो मैं तो रोजमर्रा की जिंदगी पर बुनियाद करके ही बात कर सकता हूं। ये तो आपने मुझे मजबूर किया कि कोई कंसेप्चुअल बातें करें तो मुझे कुछ पढ़ना पड़ा, तो तब मैंने ये बातें की, वरना मैं तो रोजमर्रा की बातें ही करता हूं। मैं तो प्याजों के रेट ही देखता रहता हूं, चीनियों के रेट ही देखता रहता हूं, हमारी जिंदगी बस आज के लिए ही रहेगी। दोनों निजामों में से कौन सा निजाम अच्छा है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस निजाम को ये अच्छे और बुरे की बहस तो उस वक्त शुरू हो जब आपने दोनों निजामों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके देख लिया। ये तो आप तब कहना जी कि हमने कोशिश कर ली, हमने जमहूरियत ट्राई कर ली, हमने खिलाफत ट्राई कर ली और हमने नताइज देख लिए। और मैं मॉडर्न जमाने की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें मालूम है कि आर्गुमेंट यह आता है कि हम ट्राई करके देख चुके हैं माजी के अंदर, खिलाफत का निजाम बड़ा अहसन तरीके से काम किया, अगरचे वहां पर भी अगर आप आजादाना तारीख पढ़ें तो उस निजाम के अंदर काफी तजादात थे, लेकिन उनका ताल्लुक उस निजाम से शायद इतना नहीं था जितना इम्प्लीमेंटेशन के मामले से था। ये बहस हमें उस वक्त तक उठा रखनी चाहिए मेरी जाती राय में जब तक हम सही निजाम के करीब तर किसी जगह ना पहुंच पाए। आजकल हम जमहूरियत सिर्फ नाम की चला रहे हैं, असल में ये लूटोक्रेसी है जिसको जमहूरियत के साथ नथिंग नहीं करना चाहिए। इन लोगों की नाखलफियों की वजह से, इनकी खराबियों की वजह से जमहूरियत खराब नहीं निजाम के तौर पर ली जा सकती, उस तरह ही जिस तरह बहसियत मुसलमान हमारी कमियों की वजह से हमारे दीन के ऊपर जो दुश्नाम तराजी होती है नकादों की तरफ से वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसमें दीन और मजहब की तालीमात का कसूर नहीं है, उसमें जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, उनकी कोताहियां ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।